हेलो आई सर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो सभी लोग? एंड बहुत सारे बच्चों को इंतजार था एप्लीकेशन फॉर्म का, हालांकि कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ पाया है। और टुडे 17 मई 2022 आज हो चुका है। जनरली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल के अंदर जो है आ जाता है, लेकिन पिछले 2-3 वीक से जो है फॉर्म आगे बढ़ता ही जा रहा है, ड्यू टू कभी कुछ इश्यू आ रहा है, कभी पोर्टल इश्यू आ रहा है, कभी सर्वर इश्यू आ रहा है। सो टुडे इज वेरी बिग अपडेट ड्यू टू अनअवेलेबल टेक्निकल इश्यू एंड द डेट ऑफ ओपनिंग पोर्टल इज पोस्टपोन्ड। एंड अगर डेट ऑफ ओपनिंग जो पोस्टपोन्ड हो गया है तो इसके अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी क्लोजिंग डेट है वो भी अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर दी जाएगी, यानी कि आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा, राइट? सो यार आयसर की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एंड आपके जो रजिस्ट्रेशन है आप ज़्यादा घबराए नहीं, टिल जो है लास्ट वीक ऑफ मई तक स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड जो आपके जो एग्जामिनेशन है वो एटलीस्ट जो है अगस्त के अंदर आप मान के चल सकते हो, ओके? अब अपन कुछ आयसर की इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यार आयसर जो है इतने साल आप सभी को पता होगा कि ओनली फॉर हर स्टेट से टॉप 20% जो भी बच्चे होते थे उनको सेलेक्ट करता था, लेकिन इस ईयर जो है परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया है, यानी कि आपकी अगर 60% है देन यू कैन अप्लाई नाउ, एंड इफ़ यू आर बिलोंग टू जस्ट लाइक शेड्यूल कास्ट एंड SC एंड PWD एंड जस्ट ST कैटेगरी देन यू आर अप्लीकेबल जस्ट 5% रिलैक्सेशन, आई मीन जो है 55% अप्लीकेबल हो आप, ठीक है? 55% आपके 12th में होने चाहिए। ओनली फॉर 2021 एंड 2022 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है अप्लीकेबल है आईसर टेस्ट के लिए। और अगर अपन बात करें आगे की, तो कितने बच्चे जो है इस बार अप्लाई करने वाले हैं ये एक बड़ा कंसर्न है, राइट? सो आईसर में तीन विंडो होते हैं, ठीक है? एक होता है IAT टेस्ट, यानी कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम जो है SCB बोलते हैं, ठीक है? एंड स्टेट करीम बोर्ड स्टूडेंट ऐसे कुछ, आई मीन सॉरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। SCB चैनल के अंदर आता है जनरली IAT टेस्ट, ठीक है? एंड एक टेस्ट, एक जो विंडो होता है दिस इज कॉल्ड KVPY, ठीक है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होती है। यार ये जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होती है ये तभी अप्लीकेबल होती है जब आपने एटलीस्ट जो है 11th सेशन में एडमिशन लिया हो, उस मोमेंट पे आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 11th क्लास में आप जस्ट इसके रिगार्डिंग अप्लाई करके कुछ भी आप अपनी सेलेक्ट हो सकते हैं KVPY के लिए। देन सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास 12th के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है और अगर आपने उसी सेशन में अप्लाई नहीं किया था, जनरली अगस्त सेप्टेम्बर में फॉर्म आते हैं, देन जो है आप 12th कंप्लीट करने के बाद आप KVPY के लिए ड्रॉप नहीं ले सकते। यानी कि सिंपल सा मीन ये है KVPY आप सिर्फ दो कंडीशन में दे सकते हैं, जब आप 11th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया JEE की तरह KVPY देते हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं है KVPY में, राइट? ड्रॉप वाले बच्चे अप्लीकेबल नहीं है KVPY के लिए, ओके? सो थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास JEE एडवांस। और एक आपको जनरली चीज़ बता दूं कि अगर आप तीनों ऑप्शन में अप्लाई करते हैं, तीनों जो भी आपके तीनों फॉर्म होते हैं, तो आपको 3 अप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, यानी कि आपको टोटली 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। एंड अगर आप दो भरते हैं देन आपको 4,000 रुपये देने हैं, अगर आप एक भरते हैं देन आपको 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है? एंड अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस है, ठीक है? किसी कैटेगरी के लिए 1,000 भी है, किसी के लिए 2,000 भी है। देन अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म कितने आते हैं। तो जनरली जो अप्लीकेशन फॉर्म है सीटों की बात कर लेते हैं, टोटल 1700-1800 सीटें हैं, 1700 कुछ सीटें आई थिंक। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 22,000 से 23,000 अप्लीकेशन फॉर्म आए थे IAT टेस्ट में ओनली फॉर, एंड ठीक है, अब IAT टेस्ट में 22,000 से 23,000 फॉर्म आए थे। दिस इज द मैक्सिमम फॉर्म बिकॉज ओनली फॉर टॉप 20% स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ऑल स्टेट्स एंड ऑल UT जस्ट लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड अदर, लक्षद्वीप एंड अदर। अब हम बात करते हैं कि भैया इस बार की इतना आ सकता है, ठीक है? तो आप मान के चल सकते हो इस बार 1,00,000 के क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज पहले जो आईसर्स आर वेरी न्यू, ठीक है, आई थिंक 2008-09 से 7-8 से स्टार्ट हुए हैं,
तो उतना ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है। लेकिन आज सर के जो कोर्सेस हैं या फिर उनकी जो लर्निंग्स है या फिर उनका जो कैंपस एनवायरनमेंट है, जो पढ़ाई चल रही है, जो प्लेसमेंट हो रहे हैं, उस प्रकार से अगर अपन देखें तो आप आई सर को जो है टॉप IITs से कंपेयर कर सकते हो। जी हाँ, दिस इज़ अप्लीकेबल। आप जो है आई सर को टॉप IITs से कंपेयर कर सकते हो एंड जो रिस्पॉन्स आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इसके अंदर और फ्यूचर के अंदर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एंड आई सर आर रियली गुड, रियली ऑसम। तो यू कैन अप्लाई नाउ। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है इस बार, क्योंकि हर बार तो जस्ट जो भी बच्चे होते हैं स्टेज वाइज वही सेलेक्ट हो पाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं होते वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाते, राइट। लेकिन इस बार जो है भीड़ आने वाली है, ओके, क्योंकि JEE के अंदर सिर्फ 1% बच्चे सेलेक्ट होते हैं एंड जस्ट यू कैन अप्लाई नाउ एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 180 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो जो है एटलीस्ट 85 पे भी एडमिशन हो गया था एंड 80 नंबर पे भी आयशर बैरमपुर वगैरह में हो गया था। मैक्सिमम जो कट ऑफ मैक्सिमम जो मार्क्स आया था, आई थिंक जो टॉपर था उसका फर्स्ट रैंक था उसका 163, आई थिंक ऐसे कुछ मार्क्स होना चाहिए, 162-163 होना चाहिए था आई थिंक। इस बार अगर अपन बात करें तो अगर आप जस्ट 130 प्लस मार्क्स या फिर अगर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं देन जो है आप ट्राई करो कि 140 मार्क्स तो लेके आओ, देन यू आर सिक्योर फॉर गुड आईसर जस्ट लाइक आयशर पुणे, आयशर मोहाली, आयशर भोपाल, ओके। एंड जस्ट खूब पढ़ते रहो और मॉक टेस्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो और आई थिंक जो है अभी भी जो CBT लिंक है वो अप्लीकेबल है और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जस्ट जो है नो रजिस्ट्रेशन फॉर फीस आर नेसेसरी, ठीक है। तो जस्ट यू कैन अप्लाई नाउ, ठीक है। आप बिल्कुल ट्राई करते रहें मॉक टेस्ट के लिए। तो जैसे आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि जस्ट इस मॉक टेस्ट के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड सो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जस्ट आपको एक विंडो पे लेके जाता है वो, तो वहाँ पे जो है आपको कुछ मांग रहा होगा लॉगिन ID पासवर्ड, तो जस्ट जो है आप वहाँ पे रेंडमली कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी क्लिक कर लेंगे तो कोई चक्कर नहीं है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ भी ना डालें, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि भैया यूजर ID पासवर्ड क्या डालें, तो आप वहाँ पे कुछ भी ना डालो और डायरेक्टली जो है सीधा क्लिक कर दो उस पर और वहाँ पे जो है कुछ भी ना डालो, ब्लैंक पे नेक्स्ट कर दो। हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन आपको लास्ट में शो हो रहे होंगे एंड दोनों को क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ओके। सो आई एम रेडी फॉर बिगेन। सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सो यार क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है और सारा का सारा सिस्टम दिया गया है, कितना टाइम लगेगा आपको, कितने आप मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो दिस इज़ रियली गुड। और जस्ट जो है ये सारा का सारा सिस्टम जो आप देख रहे होंगे ऐसा का ऐसा सेम टू सेम प्रोसेस आपको जो है एग्जाम सेंटर के अंदर देखने को मिल रहा होगा। सो जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्राइवेट आप किसी भी काउंसलिंग से लेते हैं या फिर आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं और जस्ट यार फोड़ सकते हो आयशर को और योर चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमारा जो मिशन आयशर गारंटेड एडमिशन प्लान इज रनिंग, ठीक है। गारंटेड एडमिशन प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट जो है हम आपको आयशर से कॉन्टेक्ट करके एडमिशन दिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी पूरी टीम जो आपकी पूरी हेल्प करती है, जस्ट लाइक योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, योर अप्लीकेशन फॉर्म, योर चॉइस फिलिंग एंड योर एडमिट कार्ड एंड योर काउंसलिंग फीस एंड अदर जो भी आपका टिल एडमिशन कंप्लीटेड तब तक आपको गाइड करती है। दिस इज कॉल्ड गारंटेड एडमिशन एंड अगर आप सेलेक्टेड नहीं होते देन हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जो है आपकी फीस रिफंड की जाए। दिस इज कॉल्ड गारंटेड एडमिशन प्लान, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है जलने वाले लोग क्या करते हैं कि आई थिंक पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, कोई यूट्यूब चैनल था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, वीवो ओन अकेडमी एंड एक और चैनल था एंड दिस इज़ टोल्ड मी कि दिस इज़ अ फ्रॉड एंड जो है ये लोग चांद से आते हैं क्या एंड इनको आप पैसे बिल्कुल ना दे, राइट। सो जस्ट यू कैन चेक आउट द वीडियो, आई थिंक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।